हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग खेल रहे हैं सिटीज स्काईलाइंस। तो गाइस आप लोगों को शायद से नहीं मालूम होगा, जो हम लोग ने पार्ट वन में खेला था उसका मैंने सेव नहीं किया था और वो गेम बाद में क्रैश हो गया था। भाई आज फिर से हम लोग को न्यू न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। और न्यू मैप का नाम है वैसे तो नैरो पैसेज करके इस मैप का नाम था, और मैंने सिटी का नाम रखा है प्रेजेंट। और अपना वही लेफ्ट हैंड ट्रैफिक वाला सिस्टम जैसे इंडिया में होता है और हम लोग जैसे फैमिलियर है उस चीज़ से, और मैंने वो सेट भी किया है। और गाइस इस सिटी को तो भाई आगे लेके जाना ही है, और देखते हैं भाई कितना हम लोग कमाल करते हैं, भाई क्या क्या करते हैं। भाई सिंपल रखना है, कोई ऐसा नहीं कि भाई दुबई का वो बना रहे हैं पाम जुमेरा टाइप से, वैसा कुछ नहीं करना है हमें। वैसा पता नहीं कर भी सकते हैं कि नहीं वाटर में, आगे जाके देखना होगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रो तो हो गया भाई, वीडियो में आते हैं, चलो लेट्स गो। ओह शिट, वैसे तो आवाज़ नहीं आता आप लोग को। लेट्स गो गाइस, इतना अंदर नहीं घुसता, लेट्स गो। आ चुके गाइस हम लोग अपने मैप की ओर, और यहाँ पे कुछ ऐसा सा है, यहाँ पे पत्थर वत्थर कुछ रखी हुई है जिससे मैं टच अभी नहीं करूँगा। और हमारा ये कुछ एक ऐसा है, और हमें यहाँ पे बिल्ड रोड का आ रहा है बार बार। ये देख लो गाइस कुछ कितना सही मैप है, आइसलैंड्स हैं यहाँ पे, हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा बनाने के लिए। यहाँ पे पहाड़े हैं, यहाँ पे पूरा कोस्टल रीजन है, कितना यूज़ कर सकते हैं। और ये बीच से हाईवे गया हुआ है, ये देखो ये देखो। और यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेन लाइन भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रेन वाली लाइनें हैं जो हमें लगाएंगे बाद में। तो गाइज अभी पहले सबसे पहले रोड बनाते हैं, ठीक है भाई। रोड देखो क्या सेक्सी बनाएंगे तेरा भाई। देखो सबसे पहले ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये जब हम लोग का अनलॉक हो जाएगा तो इसको डिलीट कर देना है। इतना पैसा नहीं है कि हम लोग 6 लेन वाला बनाए, क्योंकि ये 80 है और ये 60 है और इसका है 40, तो हम लोग 60 वाला कर सकते हैं, बीच में आएंगे। और यहाँ पे एक ऐसा सा, जूम आउट होके मैं देख लूँ वहाँ पे, बीच में है कि नहीं भाई। हाँ, यहाँ पे ऐसे बीच में से हम लोग को निकालना है, इसलिए ध्यान से थोड़ा, हाँ ये ठीक रहेगा। अब क्या करना है कि इस रोड को हम लोग कर्व देंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लेन ले लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे, ये हो गया एक। अब यहाँ से इसको क्या करना है कि ऐसे देंगे हम ऐसे, और ये भी ये हो गया। देखो भाई क्या तब क्या जबरदस्त लग रहा है, यहाँ से गया और यहाँ पे आओ, ठीक है। और ये 4 लेन का हो गया, तो ये हम लोग का मेन रोड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग और इधर बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेसिडेंशियल वाला बनाना है, लेकिन अभी इसे नहीं करेंगे। अभी इसको और थोड़ा यहाँ पे हम लोग खींचते हैं, ये मेन हो गया हम लोग का। और ये एक डबल लेन का रोड यहाँ से लेंगे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहाड़े टाइप से हैं, लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग करने के बाद एक यहाँ से लेके यहाँ पे अब हम लोग रेजिडेंशियल एरिया बनाना चालू करें। ओह शिट डूड, ये तो हमारा सिंगल लेन वाला हो गया, हमें इसे डबल लेन का करना है, तो इसको डबल लेन कर देते हैं। ये अपग्रेड वाला होता है, ये फ्री रो मतलब कर्व, और ये दोनों है, ये कर्व है और ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट वाला फिर से चूज करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो रहा है, ये सही। ये वाला एरिया हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए यहाँ से एक और बस दो अभी देते हैं,
दो एरिया, और फिर डिमांड को देख के और बनाएंगे। यहाँ पे सही रहेगा, मस्त। यहाँ पे रखो एक, और अब चालू करते हैं भाई जल्दी से, अब लोग आए और बनाए। अभी हमारा अभी पॉपुलेशन जीरो है, और देखते हो कि अभी घर चालू हो रहा है अभी बनने के लिए। तो एक यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आ जाता तो, पर आया नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग इसे यहाँ से अब निकाल ही लेते हैं भाई, बाद में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो करना चाहिए। यहाँ पे नहीं रहते क्योंकि ये सब पास में ही रहेगा, और ये बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो पानी है वो एकदम पूरा रुका हुआ है, मतलब और कहीं जा नहीं रहा है। तो हम अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो आसपास का जो पानी होगा वो ख़राब होने लगेगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अभी यही यूज़ करना चाहिए, तो इसे दूर देंगे। इसे हम लोग यहाँ देते हैं या फिर इस साइड दे, मेरे ख्याल से इसे इस साइड देना चाहिए, इस साइड पे देते हैं, और इसे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग ऐसे। और यहाँ से हम लोग एक ऐसा और ऐसा, ये देने के बाद एक बीच से निकालेंगे कि दोनों को आ जाए, ये सही है। और इसे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम ऐसे ऐसे कर देंगे, अब हो गया। इसको इधर क्यों रखें, क्योंकि ये आसपास का जो पानी है उसको गंदा कर देगा, और वो गंदा पानी इसके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ये वाला पानी ये यूज़ करेंगे ये लोग पीने में, पीने के या फिर ऐसे ही कुछ करने के लिए। हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई। चलो गाइज, अभी देखते हैं कैसा पानी का तो आ रहा है, लेकिन अब चला गया। हाँ अब सही है, लोग अपने घर बना चुके हैं, और डिमांड भी रेजिडेंशियल एरिया का कम हो रहा है, और यहाँ पर डिमांड जो है वो अब कॉमर्शियल का हो रहा है। तो हम लोग कॉमर्शियल के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से लेके कॉमर्शियल का मैं सोच रहा हूँ गाइस कि ऐसे दूँ और इधर बना दूँ, ठीक है, और इसे मैं कॉमर्शियल दे दूँ, ये सही रहेगा। और एक इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी कॉमर्शियल दूँ, ये सही। और अब इस साइड से हम लोग अपना इंडस्ट्रियल बनाना चालू करेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना बड़ा काफ़ी रहेगा, और एक इस साइड में भी। उनको पानी चाहिए, पानी दे दो। पानी दे दिया है, और यहाँ सब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। हाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। अब इंडस्ट्रियल एरिया का भी जो है हाई डिमांड है अभी तो, लेकिन देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया का डिमांड कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और रेजिडेंशियल का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो रेजिडेंशियल के लिए हम लोग डिमांड के हिसाब से चलेंगे, जैसा डिमांड रहेगा हम लोग वो बनाएंगे। पहले ही अगर हम लोग सब चीज़ बनाने लगे तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा कि डिमांड क्या है, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि तो अगर घर का डिमांड नहीं रहेगा और हम लोग घर वाला एरिया बना देते ज़्यादा, तो उसका वेस्ट होने लगेगा, तो वो सही नहीं है भाई। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, तो और इलेक्ट्रिसिटी। ओके लेट्स गो, हम लोग का फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो पूरा हो चुका है, और इसका नाम है लिटिल हैमलेट।
तो भाई हम लोग का अब टैक्स वाला सिस्टम और लोन वाला सिस्टम भी आ चुका है, गार्बेज, हेल्थ केयर और एजुकेशन वाले भी सिस्टम, बिल्डिंग्स यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रही है वो हम लोग का पूरा हो चुका है। लेट्स गो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक और यहाँ पे हम लोग ये रख देंगे, और बिजली की समस्या तो कम हो जानी चाहिए। 16 है और 9 कंजप्शन है, और तो इनको मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बिजली, हाँ मिल गया बिजली। तो अब क्या करेंगे कि हमें गार्बेज वाला सबसे पहले, यार गार्बेज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर करके बनाऊँ, यहाँ पे गार्बेज का मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्टर, यहाँ पे ऐसे रखेंगे भाई। यूटिलाइजेशन देखो भाई, देख रहे हो यूटिलाइजेशन, यहाँ से निकलेगा ट्रक और यहाँ पे चैन, ये हो गया हमारा गार्बेज का। अब एजुकेशन ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, तो एजुकेशन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यो लो भाई, ये हमारे क्या खुश हो रहे हैं भाई ये लोग, देख रहे हो भाई क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है भाई। देखो हम लोग इसका नाम भी देख सकते हैं, इसका नाम है फेथ वार्ड, और ये एक एडल्ट है, रुक जा भाई दिख नहीं रहा। हाँ ये इसका रेसिडेंशियल का नाम है, और ये कुछ वर्क करता है फिश स्टिक फैक्ट्री में, और ये अभी काम पे जा रहा है। देख रहे हो भाई हमारे सिटी वाले लोग रात में भी काम कर रहे हैं, सोचो भाई कितने मेहनती है भाई, ये देखो भाई है जी। देख रहे हो गाइस, अब हम लोग हेल्थ केयर वाला भी बना सकते हैं, हेल्थ केयर वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे ही बनाना सही रहेगा। वैसे तो हम लोग को लगता है कि स्कूल वाला भी जो जगह है उसको चेंज करना चाहिए था, और इसको यहाँ देते हैं, और एक काम करते हैं कि थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा मूव नहीं करेंगे भाई। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग को दुखी हुआ, लेकिन हम लोग को बाद में ये जगह पे यूज़ करना है, इसीलिए मैं ये वाला यूज़ किया। तो अभी हमारा डिमांड जो है अभी रेजिडेंशियल एरिया का लो है, अभी कुछ वैसा डिमांड नहीं है, तो अभी फास्ट करता हूँ, और एक सेकेंड गाइस एक सेकेंड, इसको स्लो करते हैं। और ये हमारा इकोनॉमी सेक्शन जो है वो खुल चुका है, जहाँ से मैं बजट देख सकता हूँ, और आप लोग को फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को जैसे पता होगा कि बजट से मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कि जैसे कुछ ये डिपार्टमेंट हो गया रोड का, तो मैं इसे मेंटेनेंस के लिए जितना पैसा दूंगा वैसा रोड अच्छा होगा, अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड होगा, और इससे मैं ज़्यादा कर दूंगा तो एकदम पूरा मक्खन होगा क्वालिटी। तो अभी तो मीडियम पे है सब, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला भी है, वाटर भी है, सीवेज भी इसी में आता है, गार्बेज वाला, हेल्थ वाला है, और एजुकेशन का है, तो हमें इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि आप लोग जानती हो भाई कि एजुकेशन हम लोग कितना ज़रूरी चीज़ है, तो इसे हम लोग को बढ़ाना है अपने सिटी के लिए, तभी जाके भाई आगे इन्वेंशंस जो करेंगे ये सब लोग हमारे काम आएगा, तो इसे तो हम लोग को बढ़ाना ही है। और ये हम लोग का लोन वाला सिस्टम भी आ चुका है, जिसका भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि तो लोन के लिए भाई अभी हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लोन हम यूज़ करते हैं सिटी के लिए भाई। लोन आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह से देख सकते हो, कि लोन वैसे यूज़ हो सकता है, और हर कंट्री लोन लेती है कुछ बनाने के लिए, तो हम लोग भी लोन लेंगे, अभी लोन ले लेते हैं, हम लोग को जो बनाना है वो बनाएंगे, और ऐसे ही पे करते रहेंगे। और टैक्सेस जो है 9% अभी भाई, इसको तो बढ़ा के 15 अगर हम लोग कर दे, 15% तो भाई सही है ना, 15% तो रहना चाहिए भाई। देखते हैं हमारे लोग कैसा रिएक्ट करते हो, यहाँ पे बिजली कम है, तो गाइज हम लोग को आप लोग देख सकते हो कि हम लोग लोन का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लोन का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये हेल्थ केयर वाला भी हम लोगों ने खोल दिया है, रेसिडेंशियल एरिया वाला का हाई डिमांड है, तो अभी हम लोग रेसिडेंशियल एरिया का यहाँ से एक और बना लेते हैं यहाँ तक,
ये हो गया हमारा रेसिडेंशियल जोन और भी ज़्यादा, तो यहाँ पे भी लोग अभी आएंगे कि आप लोग देख ही सकते हो भाई। और ओ भाई साहब, इनको टैक्स बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, तो इसे थोड़ा 2% मैं कम कर दूँ, 13% सही रहेगा। हाँ 13% सही है भाई। इनको बिजली नहीं आ रही है बे। ओके, हमारा कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम लोग को अब ये, ओके गाइस, हम लोग का एक और अचीवमेंट पूरा हो चुका है, वर्दी विलेज। तो हम लोग अब हैमलेट से अब एक विलेज हो चुके हैं, और हम लोग को ये कुछ कुछ अभी मिली है, सेकंड लोन की फैसिलिटी भी, हम लोग को पॉलिसीज वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, और ये सब कुछ है, पावर यूजेस और कुछ कुछ बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन, फायर हाउस, और ये सब भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स हैं वो भी खुल चुकी है, जिसका हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग को बिजली की अभी जो समस्या है उससे हम लोग को यहाँ पे पूरा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बना दिया। इसके वजह से ये होगा, ये कोल पावर प्लांट है, तो ये कोल यूज़ करेगा और हमें बिजली देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, तो इसका ज़रूरत तो बहुत है हम लोग को अब। और इंडस्ट्रियल एरिया की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पे तो वैसे मैंने दिया ही हुआ है, वो यूज़ कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया का भी थोड़ा सा जगह जो है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि भाई अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो यही एक है कि इससे मैं जोन देके फिर यहाँ पे लोग आएंगे, फिर इंडस्ट्री लगाएंगे, तो यहाँ पे मुझे पैसा आएगा, और ये सब भी है, इससे भी पैसा आ सकता है। यहाँ पे कॉमर्शियल का भी कुछ कुछ जगह खाली है अभी, इतने जगह आप दो देख सकते हो भी खाली है, रेसिडेंशियल में भी थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, धीरे धीरे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे आएंगे, जैसे फैक्ट्रियाँ आ रही हैं इंडस्ट्रियल का, और ये डिमांड देख सकते हो आप लोग कम हो रहा है। रेसिडेंशियल का भी वैसा ही सीन है, यहाँ पे घर बन रहा है और रेसिडेंशियल का डिमांड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अब तेज़ी से, तो हमें रेसिडेंशियल का और यहाँ पे थोड़ा इसको आगे करके यहाँ से ऊपर ले जाना चाहिए, ऊपर तो वो तारे हैं तो अभी नीचे ही ठीक है। एक और लेन दे दिया यहाँ पे। ओके, हम लोग तो इसके बारे में भूल ही चुके थे भाई, पुलिस डिपार्टमेंट भी हम लोग का आ चुका है, तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे देंगे। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ देंगे, और ये फायर हाउस वाली जो है, फायर हाउस नहीं है, हाँ ये है फायर हाउस, तो फायर हाउस को हम लोग यहाँ देंगे। हमारा एक और जो है अचीवमेंट पूरा हो चुका है, टाइनी टाउन का, लेट्स गो गाइस। और इन्हें भी पानी चाहिए, पानी के लिए हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। यहां से सही नहीं रहेगा, इतना काफी। फास्ट करते हैं हम जरा सा भाई। हाँ, यहाँ पे कुछ अपग्रेड सा दिखा। हाँ ये देखो गाइस, हमारा घर भी अपग्रेड होता है, लेवल अप देखो, ये फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे आ चुका है, 5 लेवल उठते हैं टोटल। हम लोग जैसा इन्हें फैसिलिटी देंगे और इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो कि तेजी से बढ़ भी रहा है थर्ड लेवल पे, वैसे ही लेवल बढ़ते रहता है। और रेसिडेंशियल का भाई और भी ज़्यादा आ चुका है, तो हमें ये वाला एरिया यूज करना ही होगा, ऐसे करते हैं। और ये मैं सोच रहा हूँ कि इसे हटाऊँ, यहाँ पे बिजली आ ही रही है, ऐसे करके रखते हैं, क्योंकि शायद ये वाला जो बिजलियाँ हैं यहाँ पे वो कोल पावर से फिट ले, तो मैं सोच रहा हूँ इससे ही रखने के लिए अभी। तो और भाई देख सकते हो कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से यहाँ पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो
इसका येलो येलो हो रहा है ये एरिया, और ये कितना साफ है, इसका ऐसे पॉल्यूशन। और इधर भी देख लो आप लोग, पॉल्यूशन यहाँ पे भी हो रहा है, वाटर खराब जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था यहाँ पे। और बस ये है कि ये वाटर होते होते यहाँ ना पहुँच जाए, उधर चल जाए, सही रहेगा, तो फिर बाद में इसे फिर क्लीन कर सकेंगे और इसे भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल तो भाई ज़रूरी है ही, और हमें इंडस्ट्री एरिया जो है वो भी बनाना है, लेकिन पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो है अपना वो बनाते हैं रेसिडेंशियल एरिया का। तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसको दे देता हूँ, ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया एक, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा ये वाला। लेट्स गो, इंडस्ट्री एरिया जो है यहाँ पे फर्टाइल लैंड काफ़ी है, और ये देख सकते हो ऑयल भी है यहाँ पे, साइड साइड में ऑयल है, लेकिन ये ऑयल उतनी ज़्यादा नहीं है जिससे हम लोग निकाले और यूज़ करें, क्योंकि अगर इससे निकालने जाएंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा भी जाएगा बाद में, और उतना ऑयल भी नहीं है जिससे हम लोग को निकाल के फ़ायदा हो, क्योंकि कुछ ऑयल यहाँ है, कुछ ऑयल यहाँ है, कुछ पानी में है, और कुछ इधर है, कुछ उधर है, तो इन्हें फ़ायदा नहीं है। लेकिन फर्टाइल लैंड है काफ़ी ज़्यादा, तो फर्टाइल लैंड का हम लोग अगर आगे यूज़ हो सकता हो तो यूज़ ज़रूर करेंगे। पेडेस्ट्रियन एरिया, मेरे ख्याल से पेडेस्ट्रियन एरिया देना सही रहेगा क्या? नहीं, अभी पेडेस्ट्रियन एरिया तो वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार्क वगैरह हमने कुछ बनाया नहीं है ऐसा कुछ खास। तो व्हाइल आई एम लिसनिंग टू रेडियो टाइम सीम्स टू बाई फ्लाई, ओके, रेडियो रेडियो स्टेशन हम लोग को, हाँ रेडियो इज़ द बेस्ट, ओके। तो कुछ ये भी है, लेकिन अभी इनका हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है, कि अभी तो भाई हम लोग ने स्टार्ट ही किया है, तो इतना सब कुछ बनाने लगेंगे तो भाई हम लोग को पैसा कम मिलेगा। रेसिडेंशियल का डिमांड और कमर्शियल का जोन डिमांड बढ़ रहा है, तो कमर्शियल के लिए हम लोग इधर एक और दे देंगे, ऐसा ही सेम सेम ये वाला कमर्शियल जोन, एक और यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक और, सही लग रहा है ना ये वाला। और यहाँ पे ज़्यादा दूर ना हो जाए, इन पे फिर लोड पड़ने लगेगा ये रोड पे, तो हम लोग एक यहाँ से भी मिला देंगे इसे, और यहाँ पे भी मिला देंगे, ये सही है। अब इधर वाले को यहाँ से ऐसे नहीं जाना होगा, यहाँ से भी जा सकते हैं लोग, हाँ। और इसे भी कनेक्ट करना है, वैसे तो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि प्लानिंग करना ज़रूरी है। अभी हाई डिमांड हो रहा है, इंडस्ट्रियल का डिमांड घटने लगा है, कॉमर्शियल जैसे हमने बनाया तो हाई डिमांड भाई इनका है, तो इनको तो और देना ही होगा हमें, और आगे इसे करते हैं, और यहाँ से, और ये लो भाई, हमने यहाँ पे दिया इसको, यहाँ 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 पे भी, क्योंकि ये तो वाला आइडिया हम लोग को छूट गया था, और इसे भी हम लोग अब हटाते हैं, इसको कनेक्ट यहाँ पे कर दो, बूम टाउन, लेट्स गो, बूम ब्रो, बूम बूम बूम। लेवल 3 रोड्स वगैरह, हाईवे वगैरह हम लोग खुल चुके हैं, बड़े बड़े रोड्स आ चुके हैं भाई, ते सब कुछ है भाई साहब, फेरी स्टॉप, फेरी डिपोट भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही चीज़ सब खुल चुका है हम लोग का भाई। वाटर इनको चाहिए, वाटर ये लो भाई, वाटर लो 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 लो, वाटर लो, तो फास्ट किया, ठीक है भाई। ओ बैंक्स भी आ चुके हैं गेम में, स्काई स्क्रैपर बैंक, लेट्स गो,
लार्ज बैंक, स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंक हैव अ स्टॉक, ओ स्टॉक एक्सचेंज हमें पहले बनाना। स्टॉक एक्सचेंज भाई किधर से आता है? यूनिक बिल्डिंग्स में, हाँ पॉपुलेशन हमें 4,800 चाहिए, जो कि अभी हम लोग 2,000 के अप्रोक्स हैं, तो हम लोग को आगे काफी ज्यादा अभी तो है अभी टाइम। और इंडस्ट्रियल का बढ़ रहा है डिमांड, इसका भी है। इंडस्ट्रियल का डिमांड तो भाई अब बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये छोटा वाला है इसे एक दे देता हूँ, पानी वगैरह तो आ ही रहे हैं, यहाँ पे डिमांड बढ़ के कम हो रहा है। लेकिन ये डिमांड अगर मीडियम से अगर लो है तो भाई इसे बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसे बनाते रहेंगे तो भाई ये सब जो इंडस्ट्री का है इनका डिमांड जो होगा प्रोडक्ट्स का वो कम हो जाएगा फिर, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ जाएगी। तो फिर आप लोग को बताइए कि ज़्यादा कंपटीशन की वजह से कुछ लोग का बिकेगा, कुछ लोग का नहीं बिकेगा, तो उसमें उनको खाता घाटा होगा, तो वही फिर इनका नहीं बिकेगा। एजुकेशन में हमारा हाई स्कूल भी खुल चुका है, हाई स्कूल भाई देना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल हम लोग देंगे इस साइड में, लेट्स गो। हम लोग ने हाई स्कूल इस साइड में दिया, यहाँ से ऐसे हाई स्कूल इस साइड में दिया, क्योंकि और यहाँ पे एलिमेंट्री पहले से ही है, और एलिमेंट्री को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ। और भाई कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग को दुखी हुआ, और इससे भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। हाँ तो अब थोड़ा पार्क वगैरह भी बना लेते हैं गाइस, स्मॉल पार्क, बहुत बड़ा ये पार्क है। और ये है हमारा स्मॉल प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड हम लोग यहाँ पे स्कूल के पास देते हैं। और पार्क विथ ट्रीज, ये बहुत ही बड़ा पार्क, तो इस पार्क को हम लोग यहाँ पे देंगे। और एक डॉग पार्क भी बहुत ज़रूरी है, तो डॉग पार्क हम लोग यहाँ पे ही देंगे। डॉग पार्क एक यहाँ पे, भाई 5,000 का ये, ओ भाई साहब 5,000 का ही। ओ भाई कुछ लोग मर भी चुके हैं हमारे, डेड पर्सन इज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, शेड डूड, ये लोग मर भी चुके हैं भाई। तो इनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है, ये सीमेंट्री हम लोग को चाहिए, सीमेंट्री हम लोग यहाँ पे दे। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देते हैं तो हमारा वो कम हो जाएगा, तो सीमेंट्री हम, मैं सोच रहा हूँ सीमेंट्री यहाँ पे देते हैं, ये सही जगह है सीमेंट्री का। भाई सीमेंट्री को ये पानी चाहिए भाई, ठीक है भाई, कौन रहता है भाई वहाँ पे। ये लो भाई सीमेंट्री को पानी दे दिया। और इसको थोड़ा और बढ़ा के यहाँ से ये भी बना दो, ये भी बना। भाई साहब यहाँ पे जगह क्यों खाली है? ओके इसके वैसे खाली है, तो इसको तो हम लोग शायद से भर सकते होंगे ना ये सब की मदद से। लेवल ट्रेन, भाई दिन करो बे, कुछ दिख नहीं रहा है जी, कुछ जा। कुछ हो रहा है गाइस, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब नहीं हुआ बे, अभी भी नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ बे भाई, एक्सपेरिमेंट तो है, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ, छोड़ो। यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे कौन रहेगा भाई इसके पास में?
डर नहीं लगेगा मुझको भाई। बस सिस्टम भी हम लोग का आ चुका है, ट्रांसपोर्ट। ओके तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? नॉट एजुकेटेड है जी, कम हो गया इसका। इसका भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए हम लोग करें क्या फिर? हाई स्कूल तो हम लोग दे दिया, एलिमेंट्री भी दे दिया, अब लोग पढ़ेंगे तो जैसे जैसे तो हो गई। अवेलेबिलिटी तो देख लो, अवेलेबिलिटी काफ़ी है। फेलेबिलिटी भाई साहब, बारिश पड़ रहा है, बिजली कड़क नहीं है बे। हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो चुका है। ये क्या है? एडवांस्ड विंटर माइन, वाटर रिक्वायर्ड। अच्छा ये वाटर के लिए है। ओ ये बनाए क्या? 12,000 का है जी। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि तो अगर ये बनाएंगे तो भाई इसका 40 देता है और ये 20 देता है, लेकिन इसमें कोल यूज होगा। अगर कोल खत्म हो गया तो भाई टाइ टाइ फिस यहाँ पे सही है। हाँ प्रोडक्शन हम लोग का 84 हो गया। एक और लगाते हैं, और लगा देते हैं भाई, बाद में दिक्कत ना होना चाहिए। मीडियम है, हाई डिमांड है, इसको पूरा होने देते हैं, तब ये वाला ले लेते हैं। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है, तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। और बताओ गाइज कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सब सब कितना सही लगा आप लोगों को मैप? और क्या क्या आपके मतलब कमेंट्स में आप लोग को मतलब क्या अच्छा नहीं लगा वो बताओ भाई। एयरप्लेन्स भी आ रहे हैं, स्लो करने दो भाई, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं एयरप्लेन्स। ये देखो जा रहा है भाई, ये कोई बात नहीं, हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। बस एयरपोर्ट बनाने का यहाँ पे कहाँ से जगह आएगा बे भाई? ये तो आइलैंड टाइप सा है, छोटा सा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखेंगे भाई, बस वगैरह सब भी लगाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं पॉज और इसको करते हैं सेव, और हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। बताओ आप लोगों को क्या क्या अलग से आप लोग को चाहिए इस वीडियो में, और मतलब सिटी में क्या क्या चाहिए और क्या क्या आप लोग को देखना है, और लाने की कोशिश तो करेंगे। तो उसके लिए भाई पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा वीडियो, और शेयर भी करो गाइस। तो गाइस मिलते हैं आप लोग को हम फिर से नए एपिसोड में ऑफ सिटीज स्काईलाइंस। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, लाइक करो लाइक करो लाइक करो, बाय 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 बाय।